बिहार के मुजफ्फरपुर से फिर से एक भयावह एक तस्वीर सामने आ रही है। एक बहुत ही गंभीर कंप्लेन नहीं जिसे मैं बोल सकती हूँ, एक बहुत बड़ी एक मानव तस्करी और फाइनेंशियल फ्रॉड और इस सब की एक मिली जुली एक भयावह स्थिति सामने आ रही है, जहां पर 100 से ज्यादा बच्चियों को, लड़कियों को बंधक बना के रखा गया, उनके साथ पीड़न किया गया, गर्भपात कराया गया, जबरदस्ती मारपीट की गई, जिसकी वीडियो भी हमने शेयर करी। मुझे लगता है कि इससे भयावह कुछ नहीं हो सकता। मुजफ्फरपुर में पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है और जहां पर शेल्टर होम का जो खुलासा हुआ था हमने उस पर भी ट्वीट किया था, जिसके बाद से हमें बहुत सारी चीजें पता चली और तब जाके बहुत ज्यादा जद्दोजहद के बाद कार्रवाई हुई। इसी तरह इस मुद्दे को उठाए हुए भी काफी दिन हो गए। आज तक जो इसका CMD है, इस चिटफंड फ्रॉड कंपनी का, और जिसमें महिलाओं के उत्पीड़न भी हो रहे हैं, जिसमें से एक बच्ची, एक लड़की निकल के बाहर आई, जिसने अपनी आप बीती बताई और जिसकी वजह से ये बाहर निकला, नहीं तो न जाने ऐसे कितने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेक्सस चल रहे हैं हमारे देश में और जो हमें पता भी नहीं चलता। मुझे लगता है तिलक सिंह जो अभी फरार है, CMD है इस कंपनी का, और ब्रजेश ठाकुर जो एक समाचार पत्र चलाते हैं, पत्रिका चलाते हैं, ये दोनों का इमीडिएट अरेस्ट और इसमें और भी खुलासे होने जरूरी हैं और प्रशासन को इसमें कड़ी कार्रवाई इमीडिएट करनी पड़ेगी, ताकि हमें ये एक आश्वासन मिले कि इसमें प्रशासन नहीं मिला हुआ, क्योंकि इतने बड़े नेक्सस बिना प्रशासन की साठगांठ के नहीं चल सकते हैं। तो अगर हमारा फेथ, बिहार की जनता का फेथ, अगर उन्हें रीइंस्टॉल करना है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इमीडिएट इस पे कार्रवाई हो। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये नेशनल मुद्दा है और होना चाहिए। जहां हमारी इतनी सारी बच्चों के साथ एक छत के नीचे इतनी बर्बरता हो रही है, मुझे लगता है कि इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है और इमीडिएट एक्शन की हमारी अपील है बिहार सरकार से और भारत सरकार से।